सर मैं जैसे ही बाइक से गिरा हूँ, मैं नहीं गिरा, मेरी बहन पीछे से मतलब गिर गई। 20-30 मेरी स्पीड थी। जैसे ही गिरा मैंने रक्षे में उसको डाला है, सीधा 2 मिनट के अंदर ही मतलब मैं हॉस्पिटल पहुँचा हूँ सर। मैंने खुद ही, फिर उन लोगों ने किसी ने हाथ भी नहीं लगवाया कि स्टेशन पर इसको लेके अंदर हम बेड पर रखें, नहीं, मैंने वो भी स्टेशन पर खुद ही लाया हूँ, खुद ही अकेला ही मैंने रखा है, फिर अंदर इसको रखा है। उन लोगों ने मतलब ट्रीटमेंट से पहले ही पर्चियाँ बनाना स्टार्ट कर दी, पर्चियाँ बोला ये बिल जाके पहले काउंटर पे जमा कराओ। मतलब दवाई लगी नहीं है सर, पहले ही पैसे, ये कौन सा इंसाफ। फिलहाल तो हम लोगों ने सिर्फ एक ड्रिप देखी है बस, बाकी तो कुछ भी नहीं हुआ। जहाँ पे ले गए थे वो वैसे ही पड़ी हुई थी, तड़प रही थी, बस ये एक आ रहा था तो फिर दोबारा वापसी वो बंदा ही नहीं आ रहा था देखने भी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो बोल रहे थे पैसों के बगैर कुछ भी नहीं होगा यहाँ, पहले पैसे हैं तो जान भी। पहले उन लोगों ने 5 लाख मांगे, हमने बोला, अभी मैंने बोला मेरे घर वाले भी यहाँ नहीं है, वो लड़का ना मैं, तो मैंने कहा अभी मेरे पास जेब में भी नहीं है। बोला आप पहले पर्ची बनाओ फिर बाद में। फिर उन्होंने बोला 3 लाख हैं तो वो ले आओ। बोला एक दिन के फिर भी हम आपसे एक 10 मिनट के भी 10,000 लेंगे, 20 लेंगे, इतने इतने मतलब सब कुछ। ये दाखिल करो, मेरी बहन जीती गई, रोए पिटे कुटे प्या। उन्हें आख्या तो पैसे पैसे में कुल इन्हें आख्या असा गरीब हाली पैसे को नहीं हाली कुछ गिनो। उन्हें आख्या इतने लगे नूँ मेरी दी को इंसाफ मिले, और दी को इंसाफ मिलो। मैं हूँ अस्पताल चाह गए, मैं हूँ वाले मेरी दी को मारिया है, दवा न सही कितने कुछ भी न पैसे घुरन पे 5 लख। और 5 लख के नू आनू असा बड़े घर च कोई कोना से। ये वाक्या जुम्मे का दिन था, रात को 9 बजे मेरा बेटा बाइक पर अपनी बहन को दवाई लेने के लिए, उसको थोड़ा बुखार था, तो मखदूम बिलावल की गेट से थोड़ा आगे गया कि नाजिया की जो दुपट्टा था वो मोटरसाइकिल के व्हील में आ गया और वो वहाँ से गिरी, गिरने से ही वो बेहोश हो गई। अभी शहीद मखदूम विलेज की गेट और मेमोर हॉस्पिटल का जो फासला है ये 1-2 मिनट का फासला है। मेरे बेटे ने क्या किया कि फौरन रक्षे पर उसको उठा के ले गया खुद, और जब वो मेमोर हॉस्पिटल पहुंचा तो उसको कोई आके नहीं उसने तावन किया, और वो खुद अपनी बहन के को लेके जाके बिस्तरे पर सुलाया और बोला कि इसका फौरन ट्रीटमेंट करो। तो इससे कहा गया कि आप 5 लाख रुपया दो तो फिर हम इसका इलाज करेंगे। मेरे बेटे ने कहा कि मैं इसको सीरियस ले आया हूँ, मैं घर जाऊँगा और आपको पैसे हम देंगे। बोला नहीं, फिर ऐसे करो 3 लाख जमा करो और पर्ची लो। मेरे बेटे ने कहा कि हम गरीब हैं, इस वक्त मैं यहाँ अकेला हूँ, हम घर जाएंगे, आपसे पैसे ले देंगे आपको जो बोल रहे। बोला ठीक है, अभी आप 50,000 जमा करवाओ। मेरे बेटे ने कहा कि मेरे पास, मैं मरीज लेके आया हूँ, आप इसका फौरन इलाज करो, हम वो भी आपको देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, आप जब तक पैसे जमा नहीं करेंगे तो हम आपकी बच्ची को इलाज नहीं देंगे। मेरा चीफ जस्टिस से अपील है कि इस तरह की जो कोस घर अस्पतालें बनी हुई हैं इसका नोटिस लो। वजीर आला सिंध से मेरी अपील है कि सिंध के जो अस्पतालें कोस घर बनी हुई हैं हमें इंसाफ दो, और वफाकी हुकूमत से मेरी अपील है कि हमें इंसाफ दो। और इस तरह से तमाम वाक़े हो रहे हैं, बेदर्दी से लोगों को इन अस्पतालों में मारा जा रहा है और पैसों की वजह से।